तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइश हमेशा नहीं रहती। ख्याल का पाकीज़ा होना रूह की पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। अंधेरा कितना ही गहरा और मज़बूत क्यों ना हो, रोशनी की छोटी सी किरण उसे हरा ही देती है। बस आप भी अपनी उम्मीद के दियों को हमेशा रोशन रखें। बाज़ औक़ात जानने और समझने के बावजूद सिर्फ रिश्ता कायम रखने के लिए हमें अनजान बनना होता है। जहाँ दिल मुतमईन ना हो वहाँ भरोसा ना करना, क्योंकि अल्लाह दिल आँख से बेहतर देखता है। जब गम हद से गुजर जाए तो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ इंसानों में ये वस्फ होता है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते। हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने की कज़ा नहीं। ये ज़िंदगी हर कदम पर इम्तहान मांगती है, कभी ज़र्फ़ कभी नफ्स और कभी सब्र का। सब्र का प्याला दूसरों को पिलाना आसान होता है, पता तो खुद पीते हुए चलता है कि एक एक कतरा कितना भारी होता है। हराम शय को छोड़ देना हिजरत है, और अपने नफ्स को इस बात के लिए तैयार करना और मजबूर करना कि वो हराम को छोड़ दे, ये जिहाद है। इंसान का माजी कितना ही गुनाहों से भरा हुआ क्यों ना हो, मगर उसका मुस्तकबिल अभी भी बिल्कुल पाक है, बशर्ते ये कि वो अल्लाह की तरफ लौट आए। ऐ गर्दिशे आयाम बेसुध ना उलझ मुझसे, मैंने हर हाल में जीने की कसम खाई है। जो तुमसे तंग है उसे छोड़ दो, बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। हमारे यहाँ आधा सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने में माहिर होते हैं। उन लोगों से रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हों। बाज़ औक़ात जिन्हें हम हकारत से देखते हैं, उन्हें फरिश्ते रश्क से देख रहे होते हैं।